गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। मैं आज आपको बताना जा रही हूँ बथुआ की कढ़ी। तो ये कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी ये आपको सामग्री बता रही हूँ। तो ये हमने, देखिए, ये बथुआ लिया है हमने, 1 केजी बथुआ लिया है हमने। ये 1 केजी बथुआ, फिर ये उसके लिए हमको एक केजी दही लिया है हमने, ये जिसकी हम लस्सी बनाएंगे, इसकी पीस लेंगे इसको मिक्सी में। 1 किलो में ये हमने 250 ग्राम बेसन लिया है। ये हमने इसमें क्या क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ये हमने 4 हरी मिर्च ली हैं। ये हमने एक एक चम्मच हमने ये लाल मिर्च ली है। ये नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक लें आप। ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। ये 1 बड़ी चम्मच मैंने धनिया लिया है, धनिया पाउडर। ये हमने 1 बड़ी चम्मच ये हल्दी ली है मैंने, हल्दी पाउडर है ये। ये हमने लहसुन लिया है, 12-13 कलियाँ हैं ये लहसुन की हैं। ये मैंने अदरक ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है ये, बस कर लिया है ये। ये मैंने धनिया लिया है, 1 गड्डी मैंने धनिया ले लिया, ये मैंने बीन के काट के रख लिया है ये। ये मैंने हींग ली है, 1 चुटकी हींग है ये। ये मैंने जीरा लिया है, ये 1 छोटी चम्मच जीरा है। ये अजवाइन ली है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन है ये, चौथाई चम्मच अजवाइन ली है ये। ये राई ली है मैंने, 1 चम्मच राई ली है ये मैंने। तो मैं आप बताऊंगी, ये मैंने जो दही ली थी वो दही मैंने पीस लिया मिक्सी में, ये लस्सी बना लिया मैंने इसकी। तो अब मैं ये बेसन इसमें लस्सी में डालूंगी। ये देखिए, इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा डालें इसमें, और ये इस तरीके से मिलाते जाएं। ये इसमें गांठें ना पड़े इसलिए थोड़ा थोड़ा डालें पहले। ये देखिए, ये लस्सी डालें इसमें, थोड़ा थोड़ी सी डालें इसमें पहले, ये गांठें ना पड़े। इस तरीके से ये बेसन घोलिए, ये देखिए, बस हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे तभी ये मतलब होगा। अगर हम एक साथ डाल देंगे इसमें तो गांठें पड़ने का डर रहेगा इसमें। तो थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और इसको मिलाते जाएं। ये देखिए, बहुत अच्छी बनेगी ये कढ़ी, क्योंकि बथुआ सर्दियों में ही चलता है, तो मेरे घर में इसे बहुत पसंद किया जाता है। बथुए की कढ़ी को गर्मियों में नहीं मिलता ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बेसन घुल गया है। अब हम इसमें फिर डालेंगे, फिर ये थोड़ी लें इसमें और फिर इसको आराम आराम से ये करें इसको। ये देखिए, ये घुल गया हमारा। थोड़ी थोड़ी लस्सी डालें इसमें, वरना गांठ डलने का इसमें डर रहेगा इसमें। ये देखिए, ये मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा सा। फिर से मैं इसको पतला कर लें, इसको ऐसे घोल के एकदम से इसमें लस्सी में सारा बेसन ना डालें, वरना आपकी गांठें पड़ जाएंगी। ये देखिए, मैं फिर इसमें और पतला करूंगी इसको। ये देखिए, अब ये पतला हो गया हमारा, ये तैयार हो गया बेसन लस्सी का घोल। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए, मैं ये धनिया डाल रही हूँ इसमें। इसी तरीके से इसमें डालें। ये देखिए, मैं इसमें ये लहसुन का पेस्ट डाले, मैंने ये लहसुन पीस लिया था, ये मैं लहसुन का डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने हरी मिर्च 4 ली थी, ये मैंने मोटी मोटी हरी मिर्च पीस ली है ये। ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छी कढ़ी बनेगी आपकी। ये मैं हल्दी ली थी, मैं हल्दी डाल रही हूँ ये। ये देखिए, और मिलाते जाएं इसको साथ के साथ, हल्दी की गांठें पड़ सकती हैं। ये देखिए, मिलाते जाएं इसको। ये मैंने नमक लिया, ये स्वाद अनुसार लें आप, जितना आप खाएं उस हिसाब से लें। ये मैंने नमक डाल दिया इसमें। ये देखिए, बहुत प्यारी कढ़ी बनेगी आपकी।
अब मैं इसमें डालूंगी, इसमें मैंने ये आधी लस्सी इधर ले ली थी, आधी लस्सी मैंने इसमें रख दी है, तो मैं ये लस्सी इसमें डालूंगी। इसको थोड़ा सा पानी लें, पानी से धो लें इसको और फिर डालें इसमें। ये देखिए बहुत प्यारी कढ़ी बनेगी आपकी ये। ये हमने इसको कर लिया है, जो लस्सी हमारी ये बची है इसमें मैंने ये भी डाल दी है इसमें। ये देखिए अब हमने पूरी ये डाल दी इसमें। ये पानी हम और डालेंगे इसमें। ये देखिए ये इस तरीके से इसको देख लें कि हमने कितना पतला रखना है हमने इसको, क्योंकि ये चलाते चलाते काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए ये देखिए हम और डालेंगे इसमें। ये देखिए कितना पतला हमने घोल करा है इसको, इस घोल को पतला ही रखें। ये मैंने अदरक कस ली है ये 1 इंच का टुकड़ा, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए ये हमने इसको इंडक्शन में चला लिया है ये। अभी हम इसमें शुरू में हमें तेज़ पे रखना है, मतलब आप गैस कर रहे हो गैस पे तो गैस भी आपने तेज़ रखनी है इस पर, क्योंकि हमने ये अभी हमारा कच्चा हमने रखा है, अभी इंडक्शन है तो उसको भी तेज़ करें। और ये बराबर चलाते जाएं इसको, 1 सेकंड के लिए भी इसे छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आपने ये 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया तो ये हमारी दही है ये फट जाएगी इसमें, क्योंकि हमारा ये जब हम हॉट इस पर रखेंगे गैस पर तो इसको गर्माई पहुँचेगी, गर्माई से दही या छाछ हमारी ये फट जाएगी, तो इसलिए इसे बराबर चलाते रहें इसको, जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए ये उबाल आ चुका है इसमें, इसमें करीब 20 मिनट लगे हैं इसमें उबाल आने में हमारे। अब मैं इसमें बथुआ डालूंगी, ये बथुआ मैंने काट लिया था, ये मैंने काट कटा हुआ बथुआ है, तो फ्रेंसी बथुआ काट के डालें इसमें। अब मैं ये बथुआ डाल रही हूँ इसमें, देखिए बहुत प्यारी लग रही है, ये देखिए हरा हरा कलर एकदम से आएगा इसमें। ये देखिए ये बथुआ वाली कढ़ी है हमारी, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है इसमें, देखिए हरा हरा लग रहा है इसमें। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है ये कढ़ी हमारी। अब हम इसमें 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे, इसको बस हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए हरा हरा कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए अब हमारी इसमें उबाल आ गए, मैंने बथुआ डाल दिया। अब मैं इसे ढक दूँगी 5 मिनट के लिए, हमने ये ढकना है और इसको गैस स्लो कर दें यहाँ पे, क्योंकि हमारा उबाल आ चुका है तो हम ये स्लो कर रहे हैं। ये अब हमने स्लो पे हमारा 5 मिनट और पकेगी ये। तो ये कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए ये मैंने पकौड़े डाले हैं इसमें, ये हमारी तैयार हो गई है कढ़ी। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी इसमें। अब हम इसमें कढ़ी हमारी बन चुकी है, मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें जीरा डाला है, ये जीरा हमारा थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए थोड़ा सा, फिर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए जीरा डाला हमने, चटक रहा है हमारा जीरा ये। अब हम इसमें ये हींग डालेंगे हम, ये देखिए ये हींग डाल दिए हमने। ये देखिए ये हमने राई डाली है, ये तड़के में बहुत अच्छी लगेगी ये। ये देखिए ये हमने लाल मिर्च डाली है हमने ये, और ये मेरे पास लाल मिर्च है, हम इसमें तड़के में ये डालेंगे। इसे ढक लें क्योंकि ये थोड़ा चटकता है। ये देखिए अब हम ये हमारा तैयार हो गया तड़का, मैं इसको इसमें डालने जा रही हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा कलर आया है, ये देखिए एक बार फिर से देखिए बहुत प्यारा कलर आया है। ये हमने तड़का लगाया है इसको, बहुत अच्छी लग रही है।
तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको धनिए से इसको सजाएंगे। ये देखिए धनिया डाल दें ऊपर से। ये देखिए बहुत प्यारी कढ़ी बनी है, ये बथुआ कढ़ी बनी है ये। और एक बार आप इसको बनाएं, खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, आप खुद खाएं, लेकिन बहुत बढ़िया कढ़ी बनी है ये। बथुआ कढ़ी है, सर्दियों वाली है ये, क्योंकि हम सर्दियों में ही बथुआ मिलता है हमको, तो मेरे घर में तो बहुत अच्छी लगती है सबको। तो आप भी एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको। तो आप अगर ये ऐसा मुझे बताएंगे उस पर कमेंट करके, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी बनाकर। थैंक यू।